वेलकम बैक जी, प्यारा रमजान में प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट अस्सलाम वालेकुम बच्चा पाड़ी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबर अकबर। वालेकुम अस्सलाम रफिया। द किड्स सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय कॉलगेट, क्योंकि दांत स्ट्रांग तो क्या बात है जी। कैसे कैसे अस्सलाम वालेकुम बाबर अंकल। वालेकुम सॉरी पूरा पाकिस्तान सीख जाएगा। क्या है कहानी, क्या है वाकया आपकी जिंदगी का आज जी हुरैन, आप बताइए पहले आपकी कहानी। आप ही मुझे कुछ बोलना है जी, बोलिए। जन्नत मिलेगी जाए कुल्फत नमाज की, मैं क्या पता प्यारा जन्नत। याद करके नहीं आई ना, ऑन एयर टाइम ले रही हो है ना बाबर अंकल का, तो टाइम खाती हो ना। मैं नमाज पढ़ूंगी तो जन्नत में जाऊंगी। हाँ जन्नत में तो जाएंगे। नमाज पढ़ना शुरू कर दी हुरैन ने? हाँ जी। पूरी 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 पूरी। वाह भाई वाह जी। अच्छा, पूछे तो दिन में कितनी होती है, कितनी नमाजें होती है दिन में? पांच नफिल। बताओ कौन कौन सी नमाजें होती है, नेम्स बता दो। नहीं 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 हुरैन बताएगी, हुरैन पूरी पढ़ती है ना। हुरैन कौन कौन सी नमाजें होती है? शाम को एक, सुबह में। नाम बताओ ना नमाजों का, शाम को सुबह में और रात में। फजर, फजर, फजर और आगे कुछ नहीं पता लड़की को, ऐसी तो पूरी नमाज। यस वेरी गुड। छोटा बेबी हूँ ना, अभी मैं बड़ा हो जाऊंगा अभी मुझे सब याद हो जाएगा। अभी तो मैं इतना सा मेरा भाई और इतनी सी मैं हूँ। माचिस की दीदी में मेरा भाई रहता है और मैं पांच साल की होने वाली हूँ। पांच साल की होने वाली हूँ। अच्छा चलिए बताइए बाबर अंकल जी। राबिया आज टॉपिक बड़ा सीरियस है फिर, लेकिन आज स्टोरी की जगह हमारे पास वाकया है। बस डन है, वाकया ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकया है। और ये टॉपिक है इस्लाम और दिखावा। यस तो भाई दिखावा होता क्या है? शो ऑफ। यस यू आर राइट, शो ऑफ। क्या कहते हो अकमल? अकमल की आवाज नहीं आ रही। हुरैन माइक दे दो ना, जो बात करे वो माइक में। आपके दोस्त के पास कुछ चाहिए नहीं है, आप उसे दिखा दिखा के जला रहे हो। जैसे कि क्या दिखाते हैं? ओह माय गॉड, क्या कह रहे हैं शेरी, क्या कह रहे हैं, क्या दिखावा करते हैं हम? iPhone 13। iPhone 13 का दिखावा करते हैं। और क्या शो ऑफ करते हैं हम नॉर्मली? क्या शो ऑफ करते हैं उमर बताओ? छोटे होते थे तब तो चॉकलेट का करते थे। तुम बड़े हो गए अब कितने? दस का हो गया। एप्पल मैकबुक। एप्पल मैकबुक यार, ये तो यार ये बच्चे तो बहुत ही शो ऑफ है, शोदेर तरीन बच्चे। हाँ ये इनका एप्पल सुनो, एप्पल खाने चाहिए सुबह में। ये एप्पल क्या समझी है, ये एप्पल खाने वाला एप्पल समझी है। इनका एप्पल अच्छा है। मतलब और क्या शो ऑफ करते हैं हम? मैं किसी के सामने शो ऑफ नहीं। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल शो ऑफ नहीं करती। और एप्पल में बहुत ताकत होती है। इसका मतलब बॉयज ज्यादा शो ऑफ करते हैं। यहाँ बात ही आईफोन और एप्पल और पता नहीं क्या। गर्ल्स की टीम तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करती, बॉयज बहुत शो ऑफ करते हैं, है ना? बाबर अंकल शो ऑफ करते हैं? तुम बताओ यार। बाबर अंकल सीधे साधे प्यारे से इंसान है, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। ऐसे आ जाते हैं मुंह शूह धोकर, मैं इतना तैयार शहर के आती हूँ, बाबर अंकल मुंह धो के आके बैठ जाते हैं, इधर ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। नो शो ऑफ, नो नखरा, वेरी सिंपल। अभी सुनोगी, अभी सुनोगी। यार मुझे यहाँ बैठ के इतना मजा आ रहा है, टाइम ही पड़ जाता 10-15 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप कोई काम करें, कोई काम करें। मैं तो यार रोजाना वेट। आपको पता है आपकी स्टोरी सुनने में इतना मजा आता है। पूरे पाकिस्तान को स्टोरीज आपकी सुनने में मजा आता है। अब बच्चों के क्वेश्चंस हो जाएंगे स्टॉप, एक पॉज लगेगा और फिर अच्छा लास्ट पूछ लो भाई। शहरी नहीं चुप होता। मुझे स्टोरी से ज्यादा आपके वाकयात अच्छे लगते हैं। वाकयात तो भाई आज तुम्हारी आज मोहब्बत में वाकई सुना रहा हूं। कौन सा? सबर का। सबर का वाकया बहुत पसंद है, ठीक है। सेहत का और मुझे आज का जो सुना नहीं है तुमने। चले बिस्मिल्लाह करें बाबर, बिस्मिल्लाह। जैसे राबिया ने कहा कि सुनने वालों को पसंद आए तो आप लोगों का बहुत बहुत जज़ाए खैर। इसी तरह इंशाल्लाह पूरी रमजान आप लोगों का मौजूद है तो कोई ना कोई वाकई कहानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगी। और आज भी दिखावा है और इस कहानी में भी मेरे साथ बाबा जुड़े हुए। सब तैयार है? यस। ओके हम शुरू करते हैं। ये बाबा की आज मुझे किसी ने कहा भी है कि मैं नात सुनाऊंगा तो आज नात के अकमल में कहा आज मैं नात सुनाऊंगा तो ये वाकया नात से रिलेटेड ही है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। कि जब बाबा ने म्यूजिक छोड़ के नातें पढ़ना शुरू की थी अभी
तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ सफ़र में, कभी मस्जिद में उनके साथ बैठ जाना, कभी किसी यूनिवर्सिटी में चले जाना, किसी इदारे में, किसी महफिल में, कभी उनके साथ नातों के कहीं भी सफ़र होते थे तो मैं उनके साथ मौजूद होता था। तो मेरे दिल में ख्याल आया करता था कि यार जिस तरह बाबा नात पढ़ रहे हैं, जिस तरह लोगों के सामने बैठे हुए हैं और लोग उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार मैं भी जाकर बैठूं, मैं भी नात पढ़ूं। अभी दिखावे वाली आज टॉपिक है तो भी मैं अपनी ही बात कर रहा था इसमें। तो मैं ख्याल आता था कि यार मैं भी पढ़ूं, मैं भी सीखूं इसको। तो एक दिन हम निकले किसी एक महफिल के बाहर, तो मैं बाबा के साथ आके बैठ गया। तो मैंने उनसे पूछा, यार मुझे बताएं बाबा, क्या मैं भी नात पढ़ सकता हूँ? क्या मैं भी लोगों के सामने आके इस तरह कि भाई सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं भी ये करूँ। तो कहते हैं अच्छा हो मेरे साथ बैठो। पहले तो उन्होंने मुझसे नात सुनी, नात सुनने के बाद कहा यार ठीक है तुम इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करो, गुजारा है कर लो थोड़ी। हाँ जी, ना जो है वो अच्छी बात होती है और उससे हमको सवाब भी मिलता है। सवाब भी मिलता है, लोगों के दिल नरम होते हैं। लेकिन आप सुने ना कि बाबर अंकल के बाबा ने उनसे पूछा क्या, और जो नाच पता है उसको जन्नत में बहुत सवाब मिलता है। यस, जन्नत में बहुत अच्छी जगह भी मिलती है, बहुत सवाब मिलता है। और बता दूं अगर नाच पढ़ने से क्या होता है, लोगों को फायदा पहुँचता है, लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। हाँ, नसीहतें मिलती हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आती है, जो भी परेशानी होती है सही हो जाती है। यस, बहुत बरकत होती है। और क्या होता है, बाबर अंकल ऐसे नात पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जुनैद अंकल नात पढ़ रहे हैं। वाह जी वाह। तो फिर जब आपने बाबा से पूछा, बाबा ने क्या, मुझे उसके बाद क्या बात बताई, ये बड़ी सीरियस है। उन्होंने मुझे कहा यार जब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, जब मैं म्यूजिक के टाइम में था तो उस वक्त स्टेज लगा होता था, लाइट्स होती थी, लोग सामने खड़े होते थे, और उस वक्त हम लोग अच्छे से कपड़े तैयार जीन्स शर्ट में आते थे और हम वो काम ही ये करते थे जिसमें हम लोगों को दिखाना है और शो ऑफ करना है, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो वो क्योंकि काम भी कोई बहुत अल्लाह को पसंद तो नहीं है कि आप नाच रहे गा रहे हैं, वो कोई इतना अच्छा काम तो है नहीं, तो उसमें दिखावा जो है वो दुनिया के लिए। लेकिन अब जब मैं नात पढ़ता हूँ और जब मैं हम्द पढ़ता हूँ, लोगों के साथ बैठ के इसकी बात करता हूँ, हाँ, तो नात में दिखावा आखिरत के लिए है। तो ये जो हम करते हैं नात पढ़ते हैं, ये हम खालिस अल्लाह के लिए करते क्या हैं। बात है। तो इसमें तुम सबसे पहले अगर शुरू करना चाहो तो पहले ये सोचो कि ये जो मैं कर रहा हूँ, अपने दिल में पूछो कि मैं ये लोगों के लिए कर रहा हूँ या पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ या अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। क्या बात। तो वो मेरे दिल में बात थोड़ी सी लगी कि हाँ मैं, क्योंकि उस वक्त यही सोच रहा था कि यार मैं जो कर रहा हूँ इसीलिए करूँगा कि यार लोग तारीफें करें, आगे पीछे घूमें, वाह वाह करेंगे, लोग खुश होंगे, लोग मेरा नाम लेंगे। तो मेरे हाँ जी शरिया, उस वक्त जब आपके बाबा आपसे नाच सुन रहे थे तो आपने कौन सी नाच सुनाई थी? ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है ना, बहुत गुड क्वेश्चन। मैंने उनको सुनाई थी जो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। गुड, आई एम वेटिंग। हाँ जी, जुनैद अंकल को जब आपने नाच सुनाई थी तो उस वक्त आप कितने साल के थे? मैं उस वक्त था 15 या 16 साल का। आपने जुनैद अंकल की नाच सुनाई थी? मैंने उनको उन्हीं की अपनी नाच सुनाई थी, उन्होंने सर पकड़ लिया था, या अल्लाह क्या कर रहे हो। तो उसके बाद मैंने फिर जब भी उनने फिर उसके बाद मुझे एक और बात बताई, उन्होंने देखो अब इस तरह करोगे कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो फिर अल्लाह तुम्हें इसी नात के जरिए में फिर सारी दुनिया में लेके जाएंगे और फिर इस नात के जरिए अल्लाह तुमसे अपना काम लेंगे। तो ये बात वो बोल के फिर उठ गए। तो दिखावा जब हम करते हैं दुनिया में और फिर जब अल्लाह के कामों में दिखावा शुरू करें, यानी नमाज हम इसलिए पढ़ें कि अब्बू खुश हो जाएं या फ्रेंड्स कहें वाह उमर तो जल्दी जल्दी जाके नमाज पढ़ता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें नमाज इसलिए पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला खुश हो हमसे, जी सवाब के लिए पढ़ना चाहिए। हम कहते हैं अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जब हम शो ऑफ नहीं करते, और अगर कोई दिखावा करे तो हमें उसे हसद नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उसे इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसे कहना चाहिए कि तुम ऐसा ना करो, ये अच्छी बात नहीं होती। राबिया, हम नात ही की बात कर रहे थे, अकमल ने कहा था मैं कुछ नात के, आप नात सुनाएं। मैं तो सुना ही रहा हूं, उसने कहा मैं भी सुनाऊंगा। अकमल भी सुनाएगा, हां ये दे दो सोसन अकमल को। उसने कहा मैं आज याद करके आया हूं। ठीक है, पहले अकमल सुनाएगा और फिर बाबर अंकल सुनाएंगे। आप मैं एक सवाल कर लूं, अगर आपके किसी और के पास कोई चीज नहीं है
तो आप उसको दिखाओ नहीं, आप उसको समझाओगे तुम्हारे पास भी आ जाएगी, मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी हो जाएगी। जैसे बाबर अंकल ने उस दिन स्टोरी सुनाई थी, एक भाई नहीं पढ़ता था, उसके नंबर नहीं आता, उसके अम्मी अबू ने भी यही कहा था, अभी और पेपर आ रहे उनमें अच्छी तैयारी करनी है। क्या बात है, स्टोरीज याद है, सबको याद है भाई, बच्चों को आपकी सारी स्टोरीज याद होती है। अगर हमारे पास हो और दूसरे बंदे के पास ना, तो हम उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। यस, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए बिस्मिल्लाह अकमल, नात सुनाइए। बस इनकी हेल्प चाहिए थोड़ी। हाँ हाँ, इनकी हेल्प भी मिलेगी, सबकी हेल्प मिलेगी। मैं तो उम्मती हूँ, मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ, मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों में घिरा है तू आका, दुश्वारा जीना भूल गए। चले बाबर अंकल से सुनते हैं, लेकिन बहुत अच्छी ट्राई, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बाबर अंकल, आपका जहाँ दिल चाहे, पूरा मोहल्ला आपका, पूरा सेट आपका, यहीं से बिस्मिल्लाह करें। आ जाए सब, आ जाए, चले आ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाबर अंकल से पहले ये लोग पहुंचे होते हैं, आ जाओ भाई। सब सब मिलके पढ़ो यार, अगर याद है। चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद शरीफ दिल में पढ़े ताकि ज्यादा बरकत हो। बिस्मिल्लाह। बदरो दुचा शम्सु दुहा नूरुल हुदा खैरुल वरा नूरे चशम जमीलो शियम वराउल वरा खैरुल वरा बदरु तुझा। क्या बात है, ना इज्जत ना शोहरत ना जर चाहिए मुझे, आपकी एक नजर चाहिए, इसी दर पे एक बार झुकने के बाद ना उठे कभी ऐसा सर चाहिए। नूरे चशम जमीलो शियम किबलाए आलम साहेब जूदो करम। नूरे चशम रसूले मुकद्दस बदरो तुझा शम्सु दुहा वराउल वरा बदरो तुझा। क्या बात है माशाल्लाह, कितना सूदेंग ये कलाम है, कितना खूबसूरत सुकून देने वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बच्चों का जो हमारे सेगमेंट को इतना प्यारा बना देते हैं, और कॉलगेट का शुक्रिया जो हमारे सेगमेंट को इतना अच्छा बना देता है। कॉलगेट का कल फ्राइडे क्या होने जा रहा है, कॉन्टेस्ट क्या हो रहा है, आर्ट कॉम्पिटिशन, ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन जो कोलगेट की जानिब से होने जा रहा है। बैठिए, क्योंकि ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन आपको पता है कि जीएसी जो कॉम्पिटिशन होता है कोलगेट का, आप जीएसी का पैक ले सकते हैं किसी भी करीबी दुकान से, उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अगर आपका बच्चा अच्छा आर्टिस्ट है, 6 से 9 साल की उसकी उम्र है, वो डेंटल हाइजीन से मुतालिक, ओरल हाइजीन से, ब्राइट स्माइल्स, कोई भी इस तरह की चीज पर आर्ट बना सकता है, वो आर्ट आप भी
भेजिए। और ग्लोबली अगर आपके बच्चे का आर्ट सिलेक्ट हो जाता है तो उसको जबरदस्त सा एक गिफ्ट मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। और अब हम बुलाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी को, जिन्होंने बहुत कम उम्र में और बहुत कम वक्त में अपनी एक बहुत नुमाया जगह बनाई है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन। आई मेट हर लास्ट टाइम इन रमजान व्हेन आई वाज डूइंग इट फॉर पीटीवी। वहां भी इनसे बड़ी मजेदार गपशप हुई। शी इज हियर अगेन विद अस। और अब लेकिन फ्रॉम सिंगल टू मिंगल्ड हो गई हैं, यानी के मरियम नफीस आज आ रही हैं। बहुत सही तालियां बच्चों। मरियम नफीस विद हर हस्बैंड अमान। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आ जाइए, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। हेलो बच्चों, क्या हाल है? हाउ आर यू? आ जाए भाई, जिन बच्चों को मरियम नफीस से गपशप करनी है वो भी आ सकते हैं। अमान एंड मरियम प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा जी, तो मरियम और अमान यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं कि शादी हुई है। हमने बहुत अच्छी इनकी शादी की पिक्चर्स देखी। ये बच्चे मेरा पीछा नहीं छोड़ते, ये साथ साथ चलते हैं जहाँ जहाँ इनका बस चले। मरियम, कैसी गुजर रही है शादीशुदा जिंदगी? What is the difference? There are a lot of difference. जैसे कि सबसे पहले तो constantly अब लग रहा है कि बहुत सारा टाइम कराची में गुजारना पड़ेगा, बट अभी तक इतना ऐसा फील नहीं हुआ बिकॉज हम अभी आए हैं तीन दिन पहले। तो यू आर इस्लामाबादियन एंड अमान इज बेस्ड इन कराची, ऐसा ही है ना? हमारा आपका भी ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से, ड्रामा से नहीं, मीडिया से है। मीडिया से। अच्छा, यू आर डायरेक्टर? आई एम अ डायरेक्टर, आई डू कॉर्पोरेट फिल्म्स। जबरदस्त, गुड गुड गुड। कैसे मिले दोनों, पहले तो मुझे ये बताएं। अमान बताए, शूट पे ही मिले। ओए होए। लेकिन मैं वो उस तरह वाला डायरेक्टर हूँ नहीं। एक हम म्यूजिक वीडियो कर रहे थे तो उसमें एक्चुअली द इंटरेस्टिंग थिंग इज ज्यादा बातचीत हुई नहीं, और मेरे जो एडी थे असिस्टेंट डायरेक्टर वो इनसे ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, इनसे ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे थे। मेरी बस इनसे हेलो हाय हुई और मैंने बस इनसे पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, तो ये साहब होंगे जो आपको मियां की जरूरत है। नहीं, वहां उधर कुछ नहीं। फिर जब वो शूट खत्म हो गई, वो बड़ा एक टेक्निकल शूट थी, वन टेक वीडियो थी पूरा, उसमें कोई कट नहीं था, तो उसमें काफी इन्होंने मेहनत की। तीन दिन और रमजान ही थे। मेहनत पसंद है। रमजान है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। फिर इनके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज चल रहे थे ब्रांड के साथ, तो इन्होंने फिर मुझे कॉल की, व्हिच इज आफ्टर द शूट। ब्रांड ने मिलवा दिया। जी, जबरदस्त यार, गुड टू नो। अभी मुझे बताएं, सबसे ज्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी, आई सॉ इट ऑन सोशल मीडिया, आप लोग का वलीमा बड़ा इंटरेस्टिंग। कहां किया वलीमा, क्या जरा स्टोरी व्यूअर्स को बताएं? वलीमा, हमने अपनी शादी एक बहुत इंटीमेट रखना चाहते थे हम, वी डिडंट वांट टू गो बिग ऑन इट, तो हमने सारी डिटेल्स, बिकॉज कोविड आ गया था तो हमारे पास बहुत टाइम था प्लान करने के लिए कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल फारिग चल रहे थे, और हमने उसी तरीके से अपने कार्ड से लेके अपने बिग बॉक्सेस एवरीथिंग विद द एम, थैंक यू सो मच। तो उसमें हमने बस रैंडमली वी वर टॉकिंग, लाइक एक इवेंट हम करते हैं अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और जिस दिन अमान वाज लाइक कि एक इवेंट हमें करना चाहिए कुछ चैरिटेबल आल्सो, एंड बिकॉज वी लव किड्स तो वी लाइक कि हमें कुछ ऑर्फनेज में करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आप गए वहां पर? It was overwhelming, to be honest. It was very, very emotional. बहुत प्यारे बच्चे, very well mannered. I was more interested in giving them books and colors and all of that. Whereas Aman was like, नहीं, एक मिनट, I need to get, because Aman is very sporty. He likes cricket and football. So he got them sports goods. Sherry, you like what? Football. Oh, like you have a question for them also? पूछो. हाँ, मुझे पता है, तो मैं सब अभी अमान अंकल, वो जो आप बता रहे हैं म्यूजिक वीडियो, वो म्यूजिक वीडियो का नाम क्या था? म्यूजिक, ये देखो, ये एड वाले बच्चे ना भाई, वो बाबर जो है जुनेजम शेख के साहिबजादे हैं, वो कहानी सुनाते हैं यहाँ पर। तो बाबर कोई कहता है, मैं जब छोटा था तो मेरे बाबा से, आपकी एज क्या थी, आपने कौन सा कलाम पढ़ा था, आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, बच्चों को कॉन्फिडेंट, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। उस म्यूजिक वीडियो का नाम है देखा तुझे तो। ओहो, आप देखिएगा फिर मुझे बताइए। और किसी को कोई सवाल करना है अभी पूछ लो। हुरैन, डू यू हैव अ क्वेश्चन? एनीवन एल्स? यू,
ऑफ कोर्स प्लीज ऑसम पूछें। जब आप दोनों मिले थे तो आप दोनों उस वक्त कितने इयर्स के थे? हम ज्यादा पुराने बात नहीं है, इट वाज 3 इयर्स अगो। कोरोना से पहले की बात है ना। हाँ। और मैं भी मरियम से एक साल पहले मिली थी, अभी मिले थे। उससे पहले हम एक दफा और भी मिले थे प्री कोविड व्हेन आई केम टू योर सैलून। हाँ, यस 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 यस, यू हैव अ वंडरफुल सैलून। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी मंतशा, एक क्वेश्चन पहले इनके खत्म हो जाए ना ताकि मैं फिर अपने शुरू करूँ। जी बोलिए। और आप जब आई थी इनके सैलून में तो आपने क्या करवाया था? कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने मैनी पेडी करवाया था। कितना जरूरी होता है, मैंने भी करवाना है। अकमल लास्ट क्वेश्चन और फिर हम अपने बहुत अच्छे अच्छे सवालों की तरफ जाएंगे। जी अमन भाई, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट ही है। क्रिकेट, चलिए तो फिर आप दोनों से जरा पूछते हैं, पहले आपसे और फिर आपसे। पॉलिटिक्स में जो आजकल चल रहा है, मरियम व्हाट डू वांट कि मेरे जितने लोग आए ना, मैंने कहा भाई एक तो वन आई एम अ जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से, तो मुझे तो पूछना जरूरी है। और मुझे दूसरा लगता है कि पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ दैट एवरीवन हैज एन ओपिनियन व्हिच इज ग्रेट हेल्दी। पहले हम सब ए पॉलिटिकल होते थे, नाउ एवरीबॉडी हैज एन ओपिनियन। बहुत कम लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, दे आर वेरी लाइक ओ हमें वी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, बट मेजॉरिटी यस। इमरान खान एंड मरियम इज वन ऑफ देम। आई एम वेरी इनक्लाइंड, मरियम इज अ बिग टाइम इमरान खान सपोर्टर। आई एम वेरी ओपिनियनेटेड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू फाइंड द बेस्ट इमरान खान की पर्सनालिटी, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से? किन 3 चीजों की वजह से तुम सपोर्ट करती हो इमरान खान? His loyalty. Okay. Most importantly, I do not think there's anybody more loyal than him to Pakistan. His honesty. And most importantly, how he represents Pakistan. Okay. On the international forum. Zabardast. Aman, kya aap inki jo political opinions hai unse agree karte hain ya disagree karte hain? ये थोड़ी ज्यादा passionate है ना? और ये बोल देती हैं बगैर सोचे, कभी कभी इनको समझाना पड़ता है कि इतना भी हाँ इतना भी नहीं। बट यस, आई आल्सो सपोर्ट इमरान खान। मेरा एक छोटा सा वो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट में कहता हूँ, ठीक है आपकी पॉलिटिकल इशू हो सकती है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा बस ये है कि जिस तरह हम उनको बुलाते हैं या कभी कभी उनको पुकारते हैं इमरान खान सर, ही इज़ अ लेजेंड Even before he came into politics, yes, ठीक है, वो इतना कुछ कर चुके हैं आपके मुल्क के लिए कि आप उसका अगर 5% भी कर दें तो फिर जाके शायद कुछ बोल लें उनके बारे में। तो मेरा ये कि आई थिंक रिस्पेक्ट लेवल रहना चाहिए। वो हम लूज कर देते हैं, कभी कभी गलत चीजें बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आर्ग्यूमेंट करें, आप पॉलिसीज के बारे में बात करें, जो करना है करें, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन हमने शो में भी, बल्कि मैंने शो स्टार्ट इस बात से किया बिकॉज मेरी ट्विटर फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैं जब भी उस पर कोई भी चीज बात करूं या मैं देख रही होती हूं तो लोग आपस में बिल्कुल लड़ना शुरू हो गए, एक दूसरे को खाने वाले हो गए। तो पॉइंट इज कि ये पॉलिटिशियंस लोगों ने अपने दोस्त होते हैं यार, ये पॉलिटिशियंस आपके काम नहीं है। इस्लामाबाद वालों को पता है कि इस्लामाबाद में बहुत इट्स वेरी कॉमन कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में, शायद लीडर्स का नहीं आपस में कांटेक्ट, लेकिन जो नीचे लोग हैं सबके आपस में दोस्तियां हैं, उनकी इक्वालिटी वालों के साथ घुल मिल के बैठे होते हैं। आधे तो जाहिर है इस पार्टी से उसमें और उससे इसमें आए, तो लोग अपनी दोस्तियां रिश्ते खत्म कर रहे हैं, मियां बीवी की लड़ाइयां, माँ और बेटे की लड़ाइयां। लोग ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स डिप्लोमेसी, यस यू नो। सो आप बेशक वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक दूसरे को जो भी बातें बोल रहे होते हैं, अंदर सब बैठ के डिनर्स भी कर रहे होते हैं, तारियां वक्त की जरूरत ये कि जो हमारे लीडर्स हैं, मुझे पता है बिकता बहुत है कि आप स्टेज पर खड़े होके कहें वो ऐसा इसकी ऐसी की तैसी, ये बहुत बिकता है, क्राउड पुलिंग भी है सब कुछ, लेकिन जो फिर यूथ है, जो आप न्यू जनरेशन है, उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यही बात करने का तरीका है। तो आई थिंक सब ये कर रहे हैं। और अच्छा भाई, पॉलिटिक्स में हम बात कर रहे हैं लेकिन इनकी शादी की तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मेरे डायरेक्टर साहब, मुझे कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं लोगों को स्क्रीन पर, इतनी प्यारी आप लग रही थी। ये भी मुझे बताएं कि वो ड्रेस चूज करना अपना डिसीजन था, किसी से हेल्प ली, मेकअप सब सब कुछ जो होता है? सो अगेन टाइम बहुत ज्यादा था और हमें थोड़ा सा फायदा ये होता है कि हमने अपनी लुक्स पहले, हम ब्राइड्स बने हुए होते हैं ड्रामों में, सो वी नो कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू।
मैंने कभी नोज रिंग नहीं पहनी थी, नथ जो हम कहते हैं ना, माय मदर वाज ऑलवेज लाइक कि कीप दिस फॉर योर शादी. क्या बात. उसके बाद बेशक पहन लेना ताकि कुछ तो डिफरेंट लगे ना, एंड आई एम ग्लैड कि आई डिड दैट. मैंने झूमर और नथ उससे पहले नथ एक्चुअली उस पर पहनी थी, एंड जो मेरा जोड़ा था वाज वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत ज्यादा वेरी ट्रेडिशनल. आई लव्ड इट. दैट रेड वाज अम्मी अमान की अम्मी ने वो मुझे एक कतरन काट के दी थी, ये वाला रेड बना लेना. और इट वाज वेरी मिनिमलिस्टिक. माय सिस्टर डिजाइन इट, माय सिस्टर गॉट इट मेड. आई डिड नॉट वांट टू वेयर अ डिजाइनर जोड़ा ऑन माय शादी. बिल्कुल सही किया. आई डिड नॉट डू इट एज वेल. मुझे तो सबसे बड़ा इशू था कि मेरा मुझसे कोई शादी का जोड़ा क्या वापस कर दो, मैं क्यों वापस करूं. मैंने कहा एग्जैक्टली अमान ने मुझे बोला था आप जाएं, आप जाके जो खरीदना आप खरीद लें. आई वाज लाइक नहीं. मैंने दो तीन हमारे एज ग्रुप की लड़कियों से बात की है whose parents couldn't afford the jorda, and they're like nahi koi baat nahi main aise kar lenge wo kar lenge. Aur mujhe ye bhi pata hai ki kuch families jinko main janti hu personally unke parents ne logon ke unko designer jorde diye. Toba yaar, kyunki 20-20 lakh ke normally ho gaye designer jorde, no less than a million. Aur yaar main kehti hu koi, main kehti hu Pakistan ka ameer tareen khandan bhi ho na bhai, is mulk mein 25 lakh rupaye ya 20 lakh rupaye shaadi ke jorde pe lagana ये गलत है. अगर कोई कहते हैं ना यार उनके पास पैसा है वो करने दो जो करें, मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन. यू ऑलवेज आप सब कुछ करें. yes, yes. आप मैक्सिमम 4-5 लाख पे चले जाएं जी, वो भी मिल जाते हैं जोड़े. लेकिन यार 20-25 लाख का जोड़ा 4 घंटे के लिए पहन के फिर फेसबुक पे लड़कियां बेच रही होती है. उसके बाद आपने सिर्फ क्या अपने भाई या बहन की शादी. मेरा जोड़ा शायद 4-5 लाख का भी नहीं था, उससे भी कम था. तो मुझे लगता है आज का हमारा टॉपिक भी था दिखावा. तो जब आप दिखावा करते हैं उसको अल्लाह ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, आयात में, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में दिखावे को बहुत ही नापसंद किया है. वो चीज़ें जो नापसंद हैं तो उसमें से दिखावा है एक. जी, जी. क्या कुछ सवाल करना है किसी ने? पूछिए मंतशा. बाहर जाती हैं तो आपकी फैन मोमेंट होती है? यस. आप किसकी फैन है सबसे बड़ी, ये बताएं. दूसरा सवाल ये. दूसरा एक्टर एक्ट्रेस कोई भी से? जिसकी आई लव ब्रैडली कूपर. ओए होए, ब्रैडली कूपर मतलब नाम भी ऐसा लिया. दो तीन दफा मुझे लोगों ने बोला भी है कि मैंने देसी ब्रैडली कूपर ब्रैडली कूपर से शादी कर ली है. अच्छा, एक और सवाल भी है. हाँ, पूछो पूछो शेरी. आपको BTS पता है? BTS is the group, the music group. Yes, yes, he knows, he's big on music. Oye, oye. BTS के तो बड़े फैन. favorite character? से नहीं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि नाम भी बहुत मुश्किल है. जोंगजू करके कुछ है ना, क्या नाम है उसका? इट्स अ कोरियन. जंगकुक. जंगकुक है ना. हाँ, जंगकुक अच्छा लगता है मुझे. अच्छा है, वाकई अच्छा है. अच्छा लगता है जंगकुक. देखो यार, बच्चे BTS के पागल हैं. आप भी लग रहे हैं उनमें से. ये भी उनमें से लग रहा है. देखिए यूं कर रहे हैं क्या, रमजान खास मिशन में तुम लोग BTS की बातें कर रहे हो, खबरदार. एक कॉलर हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. अभी अस्सलाम वालेकुम. कैसी है जूबिया शेख? कराची से कॉल कर रही हैं. क्या हाल जी, है? मैं रूबिया बात कर रही हूँ. राबिया, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती. बताए ना, क्यों नहीं बता सकती. माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम और आपके अंदर जो एनर्जेटिक है वो कहाँ से लाती है यार. हम रोजे में कहते हैं ना, उनको देखने से आ जाती है चेहरे पे हंसी. वो समझते हैं कि रोजेदार बीमार का हाल अच्छा है. माशाल्लाह, ओह माय गॉड, हैं. और आपकी जो सेगमेंट है, जो बच्चों का जो सेगमेंट है, और अभी जो आपने माशाल्लाह इतने अच्छे कपल बुलाया है, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मरियम नफीस की. और वो इतनी ध्यान पास, इतना अच्छा स्टाइल, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस. यार इनसे मेरी बात करवाएं प्लीज. जी जी, सुन रही हैं आपको. सलाम अलैकुम, रमजान मुबारक. बहुत बहुत मुबारक मरियम. अल्लाह ताला आपका जो इतना खूबसूरत प्यारा सा कपल है, अल्लाह ताला आप लोग को नई जिंदगी दे और खुशियाँ दे. अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे. और अल्लाह ताला इस रमजान के महीने में हर एक की ख्वाहिश को पूरा करे. और अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिश पूरी करे. और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. और जो राबिया की जो बात है, ओह माय गॉड, मैं तो माय गॉड, बस करे यार, लोगों को लगेगा मैं तो पैसे दिए अकाउंट में ट्रांसफर. थैंक यू, आई लव यू. आप लोग की वजह से ये ट्रांसमिशन हर साल करने का मौका मिलता है. बहुत 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 शुक्रिया. इसी तरह देखते रहे, फॉलो करते रहे, और चैनल बिल्कुल चेंज नहीं करना, दैट्स जरूर. अच्छा जी, सवालों पर आ जाते हैं. अच्छा, एक सवाल. हाँ, पूछें. उमर, आपके सामने कोई दिखावा कर रहे हैं तो आपने सबर किया है?
हाँ, क्यों नहीं यार। अच्छा आज मैंने उनसे पूछा दिखावा क्या होता है, कहते शो ऑफ। मैंने कहा तो क्या शो ऑफ करते हैं लोग, कहता आईफोन 13 मैकबुक। मतलब मैंने कहा बच्चे तो हल्के नहीं आ रहे, इनका दिखावा भी बहुत बड़ा है, छोटा महंगा किस तरह का दिखावा। मरियम आपी, आपकी फेवरेट फास्ट फूड डिश और देसी डिश कौन सी है? मुझे सब कुछ खाने में बहुत पसंद है, बिरयानी भी। आज मैंने सोचा था आज मैं बिरयानी खाऊंगी। और आपने पहली मैंने पहली नेकी कब करी थी अपनी? ये देखो जरा। आई थिंक मैं बहुत छोटी होंगी, बिकॉज माय पेरेंट्स, माय अम्मा खास तौर पे इज वेरी बिग ऑन दीज थिंग्स, कि चैरिटी करनी चाहिए, नमाज, कुरान, दूसरों की मदद। तो आई थिंक बच्चों की पहली नेकी वो होती है जब बच्चा पहली दफा मुस्कुरा के मामा को देखता है, मामा खुश होती है, बच्चे को नेकी मिल जाती है। ठीक है चलो कुछ सवाल पूछे, रेडी? कुछ सियासतदान मरियम, मैं उनके नाम लूंगी, आपको सिर्फ एक लफ्ज में उनको डिस्क्राइब करना है, वन वर्ड दैट कम्स टू माइंड। अल्लाह, शहबाज शरीफ, आंसू, नहीं, शहबाज शरीफ, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मौलाना फजल रहमान, नो कमेंट। इमरान खान, लॉयल एंड ऑनेस्ट। आसिफ जरदारी, good politician is what we said, ke he's good, he's a good politician. Yeah. Bilawal Bhutto, agar kabhi Mariam ko bahut sare paise mil jaye, koi lottery lag jaye, to in paison ka sabse pehle kya karengi? Depend karta hai paise kitne sare, 10 crore। Oh, 10 crore, मेरे ख्याल है हम जिन ऑर्फनेज में जिसमें गए थे ना, हम उन कुछ ऑर्फनेज को अपने अंडर लेके उनके। जबरदस्त, परफेक्ट। इनमें से कौन से अदाकार की अदाकारी से मरियम बहुत ज्यादा मुतासर हैं? फिरोज, दानिश तैमूर, अहद रज़ा अमीर, वहाद या कोई और? ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन लेकिन आपको पता है ना मैं ड्रामे नहीं देखती। सिर्फ करती हूँ काम। हाँ, अपने भी नहीं देखती। सो आई एम श्योर ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, बट मैं एक्चुअली अपने ड्रामे भी नहीं। अच्छा, अगर मरियम और अमान मिलके कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कोई सॉन्ग की या ड्रामे की कर रहे हो, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आप ही लोग हैं, और आपके पास कोई बजट की रोक है ही नहीं, मतलब कोई भी बजट, या यू आस्क फॉर इट, तो कौन से दो लोगों को आप कास्ट करेंगे म्यूजिक वीडियो में या ड्रामा, व्हाटएवर यू? आपसे आप बाद में बता दीजिएगा, मैं पहले बताती हूँ, ब्रैडली कूपर एंड स्कारलेट जोहानसन। ओए होए, आई हैड नो बजट, राइट? अमान आप सारी करने थे। आई थिंक वेस्ट को छोड़ देते हैं, इधर अपना देसी बताएं, देसी अपने दो, फिर अपने दोस्त यार को कर, अपने दोस्तों को कर लेंगे। हाँ, उनको बहुत सारे पैसे दे देंगे और थोड़ा सा रख भी लेंगे। इंडस्ट्री में आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बड़ा शादी पे एक्टिव नजर आ रहे थे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वन ऑफ दोस पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने जरूरी हैं दोस्त इंडस्ट्री या आउट ऑफ इंडस्ट्री होना? बहुत बहुत जरूरी है, आई थिंक उतनी जरूरी है जितनी फैमिली जरूरी है। एंड अगर आपके पास, और आपके पास आई फील बहुत सारे दोस्त ही होने चाहिए, कुछ गिनती के बहुत अच्छे दोस्त भी होना तो वो बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी ब्लेस्ड विद सच पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह, विद इन द इंडस्ट्री भी लोग कहते हैं कि दोस्तियां नहीं होती, बट मेरे भी बस गिने जो नहीं है, बट बहुत प्यारे। और आपको लगता है लड़के ज्यादा अच्छा दोस्त साबित होते हैं या लड़कियां? लड़के पूछ रही हैं आप, चारी को बता दो। जो मेरा प्राइमरी ग्रुप है वो लड़कों का है। अच्छा, लेकिन अब जैसे जैसे मैं और काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत प्यारी प्यारी तीन लड़कियाँ विद इन द इंडस्ट्री भी, और कौन है हाजरा, रबाब, रश्ना, एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री रिदा, फातिमा, बहुत कम है बट बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। जी क्या पूछना है? पूछो पूछो जल्दी जल्दी जल्दी। आप तो कहीं पिकनिक में जाते तो आपके कोई फैंस बनते? मैं कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो कहीं फैन मिलते हैं? बहुत छोटा बेबी है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मिलते हैं, थोड़े से मिलते हैं, थोड़े से मिलते हैं। मरियम आपी, आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। ओए होए, अच्छा अब जोड़ी का कह दिया मंतशा ने, तो मुझे ये बताएं अमान, तीन चीजें जो आपको मरियम के बारे में बहुत अच्छी लगी। आई वुड लाइक टू, तीन तो हो नहीं सकते, बहुत ज्यादा है, मतलब आप शाम हो जाएगी, आपका अगला शो पे भी बुलाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, बट तीन सबसे बेहतरीन चीज नहीं, आई थिंक जो बहुत अच्छी चीज इनकी बात लगती है वो, शी इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर। ये किसी की उसमें नहीं आती, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें नहीं, इन्होंने जो बोलना होता है वैसे ही है। शी इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल, मुझे हेल्प की, और प्यारी बहुत है। इसमें तो मेरा खास कोई कमाल नहीं है, बट थैंक यू। मरियम, थ्री थिंग्स फॉर यू एज़ वेल, क्या अमान में
परफेक्ट लगा. देखो जब लड़की खास तौर पर व्हेन शी इज इन द मीडिया लोग देख रहे हैं ना, तो वह हर तरह के लोग होते हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, बट उसमें से चूज करना कि यार ही इज द राइट पर्सन एंड माशाल्लाह मान लुक्स ग्रेट एंड ही वंडरफुल, तो क्या तीन चीजें थी हमने कहा बस यही है. Aman is a very easygoing person. Okay. He is not fussy about anything. He lets me be. He lets people around him be. He gives them a lot of benefit of the doubt. Is not Kya judgmental at all. हाँ आजकल ऐसा भी नहीं है. It exactly one of the key points which I felt कि very very easygoing, non-judgmental. Is a very faithful person. Very faithful. Double. Like to the point that even when we were going out, people used to say, "Wo akela abroad ja raha hai, projects kar raha hai, and you're okay." I'm like, "Yeah," because you know it's very crystal clear how he is. And then he's very family oriented. He's very family oriented. This is so important. Yes, it is. मतलब आप सब कुछ quality लड़के में मिल जाए लिखा है, लेकिन उसका family के साथ connection. Exactly. Same goes for the girl as well. Yeah, but you know, लड़के आजकल I feel especially because he's the only child, so he has that bond with his dad, with his mom, and you know he's very my parents, my family loves him. He treats them like his own. क्या बात है? I think that was also. मरियम आपके भाई हैं? मेरे दो भाई. अच्छा, तो उनके साथ अमान की कैसी दोस्ती और चिलिंग है? ये बहुत ज्यादा चिलिंग है, कुछ ज्यादा ही हो गई है. ओए, रोकना पड़ेगा. चले जी, वंडरफुल कपल हमारे साथ दोनों है. साथ में अब तस्वीरें भी देख रहे थे जो ये ऑर्फनेज गए वलीमा. इतना अच्छा. देखे कुछ चीजें होती हैं जो मुझे लगता है दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो जब इन्फ्लुएंसर कोई बन जाता है ना, तो हर किस्म का काम आपको इनका दिख रहा होता है. ये वो चीज है जो देखकर अगर 10 लोगों ने भी कहा कि यार मैंने भी वलीमा ऐसे ही करना है, तो क्या बात है. आई एम सॉरी टू कट यू. हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए भी थे. हाँ. बहुत सारे नहीं, एक्चुअली आई वुड से और 10 ऑड. ये अगर आप लोगों ने कर लिया था तो आप लोग दिखा क्यों रहे हैं, और ये जूस के डब्बे आप लोग लेके चले गए. एक तो द फूड आइटम्स वर डेजिग्नेटेड टू समबडी एल्स. सेकेंडली अगर हम ये ना करते तो लोगों को ना पता चलता, और उनको जैसे हमें पता है कि हमारे दोस्त हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने भी ऐसे ही करना है. क्या so, बात you know, that was, yeah, that कि was जब कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है, आप उसका काम सारा देख रहे होते हैं कि कौन सा ड्रामा किया है, कौन सा ये किया, जब वो देख रहे हैं यार, तो कोई ऐसी चीज जो देखकर आप भी सीखें, तो मुझे बिल्कुल लगता है. और फिर वही बात जिसे मैंने ट्रांसफर आगाज किया था, नीयत. अगर उनकी नीयत साफ है तो फिर कोई टेंशन नहीं है. वो जो दिखा रहे हैं वो सही नीयत से आपको दिखा रहे हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा रुझान बढ़े. हम शो ऑफ करने वाले इवेंट्स जब कर रहे होते हैं तो फिर ये क्यों नहीं, ये बहुत जरूरी है, और इस तरह से हमारे लिए बहुत आसानी होगी इस जहान में और उस जहान में. एक ब्रेक आ रहे हैं. मरियम और अमान हमारे साथ है, गपशप हो रही है. बच्चों को मैंने अब कटा देना है ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आएंगे तो और सारी बातें करेंगे. डालडा किचन मास्टर में आपका इंतजार करेंगे बहुत मुख्तसर सी ब्रेक के बाद. आज दो मजीद कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, और अब बहुत टफ होता जा रहा है मुकाबला. देखते हैं आज का विनर कौन होगा और आगे का मुकाबला कैसे आगे बढ़ता है. डालडा किचन मास्टर आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.